मेरा, मेरी, मेरे, इसकी इंग्लिश क्या होती है? माई या मीन? माई और माइन माई। दो इंग्लिश होती है। चलो अब मैं पूछ रहा हूं, यह मेरी किताब है, इसकी इंग्लिश क्या यह होगी? मेरी किताब है। यस दिस बुक इज माई। नहीं माई दिस बुक नहीं दिस माई मैंने दिस क्या बोला? इज माई यह, बुक या गुड, यह मेरी किताब है, दिस इज माई माई बुक। बुक। अब बताना, अगर मैं कह दूं यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस 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 बुक बुक इज इज माइन। माइन। गुड, है ना? दोनों में अंतर समझ में आया? यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें तुम्हारे, पता है? आपका, आपकी, आपके, और थोड़ा ऐसे दोस्त के बीच में तेरा तेरा, तेरी तेरी, तेरी तेरे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? योर्स योर और योर्स योर्स होगी। चलो पहले आप बताना, फिर आप बताना, मैं सेंटेंस पूछ रहा हूँ। अगर मैं कह दूं यह तुम्हारा घर है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, आप बताओ बेटा। दिस इज योर हाउस गुड, दिस इज योर हाउस योर हाउस। बट मैं कह दूं यह घर तुम्हारा है, दिस हाउस इज इज योर्स। योर्स। दोनों में अंतर, कंफ्यूज मत हो भाई, है ना? दिस हाउस इज योर्स का मतलब यह घर तुम्हारा है और यह तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस। क्लियर है? अच्छा, अगला आता है हमारा, हमारी, हमारे की इंग्लिश क्या होती है? इसकी होती आवर, आवर आवर आवर्स और आवर्स, ओ आवर्स यू आर, है ना? अच्छा, मैं कह दूं यह हमारा देश है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यह हमारा देश है। इस बार आप बताओ बेटा। पहले दिस दिस इज इज आवर आवर कंट्री। कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, कंट्री यह हमारा देश है, आप बता दो। यह देश हमारा है, दिस कंट्री इज माई। नहीं, अरे इज दिस आवर्स, दिस आवर्स दिस कंट्री इज आवर्स। अच्छा, आवर्स अब एक और आता है, उनका, उनकी, उनके, इसकी इसकी इंग्लिश इंग्लिश क्या होती होती है है? देयर्स। देयर, देयर और देयर्स देयर्स, है ना? अगर मैं कह दूं यह उनकी कुर्सी है, या उनकी कुर्सी है। दिस देश, एक दिस लोग बोलो, हाँ ये बोला चलो आप बोलो, क्या फिर से? यह उनकी कुर्सी है, यह उनकी उनकी कुर्सी है, कुर्सी है। दिस देश दिस इज इज देयर देयर चेयर चेयर, है ना? दिस इज देयर चेयर चेयर। और मैं कह दूं यह कुर्सी उनकी है, दिस चेयर इज देयर। गुड, दिस चेयर इज देयर्स, देयर है ना? अच्छा, मैं कह दूं ये उनके बच्चे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब ये आ गए ना प्लूरल, तो दीज कर देना, तो क्या हो जाएगा? दीज आर आर डियर डियर चिल्ड्रन। मैं कह दूं ये बच्चे उनके हैं, ये बच्चे उठ तो क्या हो के जाएगा? दिस चिल्ड्रन नहीं, दीज चिल्ड्रन, दिस दीज चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर डियर्स। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, एक और होता है उसका, उसकी, उसके की इंग्लिश क्या इसकी होगी? दो इंग्लिश दो होती इंग्लिश है। एक होगी। होती है हर, एक होती है हियर। अरे यार हिज, हिज हिज का हिज ही रहेगा और हाँ हर हर का का हर्ष। हर हर्ष अच्छा, मेल फीमेल, मेल के लिए क्या आएगा? हिज, और मेल फीमेल के लिए हर। के चलो मैं पूछूं, यह फोन उसकी है, उसकी है नहीं, यह फोन उसका है, मान उसका लो है रामू का है, तो क्या हो जाएगा? यह फोन उसका है, हाँ। दिस 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 मोबाइल दिस मोबाइल या दिस फोन हाँ दिस दिस मोबाइल इज हिज, हिज या हर दोनों हाँ, हिज में या हर, अगर मेल है तो हिज, अगर फीमेल है तो हर। अच्छा, मैं ऐसे कह दूं कि यह फोन, ने गलत कर दी, यह फोन उसका, दिस फोन या दिस मोबाइल इज हिज या तो हर्ष, ऐसा बोलेंगे, है ना? समझ में आया? अच्छा, मैं कह दूं यह उसका फोन है, यह उसका फोन है। दिस इज हिज दिस फोन या तो हर हाँ फोन। क्लियर है? पूरा तैयार है ना इतना? तो मेरा, मेरी, मेरे की इंग्लिश माई और माय माइन, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, इसकी इंग्लिश योर योर, या या तो योर्स योर्स, हमारा, हमारी, हमारे की इंग्लिश
आवर या तो आवर्स, उनका उनकी उनके की इंग्लिश देयर या देयर्स, और उसका उसकी उसके की इंग्लिश, मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर। क्लियर है इतना? ओके okay?